Hey, welcome back to our channel, The Botanical Bay. क्या आपको पता है 90% खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो सिर्फ 30 पौधे और वृक्षों से आते हैं. वेलकम बैक टू आवर चैनल द बोटैनिकल बे. आज हम बात करने वाले हैं पॉथोस के बारे में. आपको पता है बहुत सारे टाइप के पॉथोस हैं, मंजुला, एंजॉय, नियॉन पॉथोस, मार्बल पॉथोस, इसके अन्य प्रजाति हैं. आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट पॉथोस जो है सैटिन पॉथोस. इसको स्किन डैक्सिस भी कहते हैं. ये मेरा सैटिन पॉथोस जो है वो मैंने रूट ब्रिज से मंगवाया था. अगर आपने मेरे ऑनलाइन साइट्स के वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पर शेयर किया है. ये जो है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रेफर करता है पौधा. बाकी सारे पॉथोस की तरह इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, पर ये थोड़ा ड्रामेबाज है. अगर इसको पानी नहीं मिले तो ये पूरा ड्रूपी हो जाता है. ये जब पौधा मैंने रूट ब्रिज से मंगवाया था तो उन्होंने कोकोपीट में रख के दिया था और उसके रूट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे रूट्स हैं. मैंने, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो इनको पानी में रख दिया है और मुझे एक दो लीव्स के ग्रोथ दिखने लग गए हैं. इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है तो मैं प्रेफर करती हूँ इन्हें मेरे डाइनिंग टेबल एरिया में रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इनडायरेक्ट सनलाइट आता है. अभी ये पॉथोस जो हैं इसके टेक्सचर जो है काफ़ी वेलवेटी टच है और आप इनके वेरिएशंस देख सकते हैं. इनमें सैटिन पॉथोस थोड़े फिटोनिया की तरह और पीस लिली की तरह थोड़े ड्रामेबाज है. जब इन्हें पानी नहीं मिलता तो ये मुरझा जाते हैं और आप इसको डायरेक्ट धूप में रखोगे तो भी मुरझा जाते हैं. पर इनकी खासियत ये है कि आप इसको 6 से 8 घंटे अगर आप थोड़ा सा पानी दे दोगे तो वापस से खिल जाएंगे. ये इनके पत्ते जो है बहुत वेलवेटी है और हार्डी है. इसका मतलब ये इतने जल्दी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ाते, तो बिगिनर्स ये हमारे लिए बेस्ट है. दूसरा ये है कि ये पॉथोस जो है इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, क्योंकि तो इनके वेरिएशंस अगर आपको दिखाना है तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट में रखो तो ही ये दिखेंगे. अदरवाइज लो लाइट में रखोगे तो ये शायद से पूरा ही ग्रीन हो जाएगा जैसे बाकी पॉथोस की तरह. आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आप हमें और सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए. और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.